नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। कोविड-19 ने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को हिला दिया है। ऐसे में काफ़ी एनजीओज जनता की मदद के लिए आगे आए हैं और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मरीजों की अपनी अपनी स्तर पर मदद कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर एनजीओज पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार से फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। एनजीओस की गृह मंत्रालय से मांग है कि 6 से 7 महीनों के लिए इस एक्ट से उन्हें छूट दे दी जाए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई घोषणा नहीं की है। 18 मई को सरकार ने एनजीओस को राहत देने के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच खत्म होने वाले थे, वो अब सितंबर 2021 तक मान्य होंगे। साथ ही मौजूदा FCRA खाता धारकों को 30 जून तक SBI की नई दिल्ली मुख्य शाखा में खाता खोलना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो विदेशी चंदा प्राप्त करने के पात्र वो नहीं होंगे। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिस पर 18 मई को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि छूट देना या नहीं देना सरकार का नीतिगत निर्णय है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने कर्मोदय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दायर इस जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया। दरअसल किसी भी संस्था या संगठन को विदेशी धन लेने के लिए FCRA खाता खोलना होता है। सोमवार 17 मई को भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एक बयान में कहा था कि उसकी नई दिल्ली मुख्य शाखा में FCRA के तहत 13,729 खाते खोले गए हैं। फिलहाल देश में FCRA के तहत 22,598 NGO रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 17,611 संस्थाओं ने FCRA खाता खोलने की इच्छा जताई थी। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SBI की नई दिल्ली मुख्य शाखा को FCRA खाते खोलने के लिए नामित किया था। बुंदेलखंड के एक इलाके में NGO संचालन कर रहे एक शख्स ने परिचय छुपाने की शर्त पर बताया, हमें FCRA सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए पहले FCRA अकाउंट खोलना होगा। ये अकाउंट SBI की नई दिल्ली ब्रांच में ही खुलेगा। हमें अप्लाई किए 4 महीने हो गए, अकाउंट अभी तक नहीं खुल पाया, जबकि ये मुश्किल से एक दिन का काम है। अकाउंट खुल जाएगा तभी हम FCRA अप्लाई कर सकेंगे, उससे पहले नहीं। इसके बाद एक अधिकारी हमारी संस्था की जांच पड़ताल करने के लिए हमारे पास आएगा, हमारा काम देखेगा, फिर अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट करेगा, तब जाकर शायद हमें एलिजिबल माना जाए, और यदि रिपोर्ट हमारे अगेंस्ट रही तो सारी मेहनत बेकार। ये कहते हैं कि अगर एक बड़ी NGO छोटी NGO को पैसा नहीं दे पाएगी तो काम कैसे होगा। हर किसी का गाँव में नेटवर्क तो नहीं होता, और ना ही नेटवर्क चंद दिनों में तैयार होता है। इसमें तो सालों का प्रयत्न लगता है। अगर आज ये नियम नहीं होता और कोई बड़ी NGO हमें पैसा दे रही होती तो हम अपने इलाके में कुछ और बेहतर कर सकते थे। वीडियो देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि ये FCRA क्या है जिसको अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की जा रही है। दरअसल भारत सरकार ने NGO की विदेशी फंडिंग को लेकर नियमों में सितंबर 2020 में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत संसद में विदेशी अंशदान संशोधन अधिनियम 2020 को पारित किया गया था। इसी को FCRA कहते हैं। इस बदलाव के मुताबिक विदेशी अंशदान लेने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली मुख्य शाखा में FCRA खाता खोलना होगा और सारा विदेशी अंशदान यहीं लेना होगा। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विदेशी शख्स या स्रोत या फिर भारतीय रुपये में मिले विदेशी दान को भी विदेशी अंशदान माना जाएगा। सवाल ये भी है कि क्यों जरूरत पड़ी FCRA की। साल 2010 से साल 2019 के बीच विदेशों से आने वाले पैसे की मात्रा काफी बढ़ गई थी, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि जिस लिए पैसा लिया जा रहा है उस काम में उसे लगाया नहीं जा रहा है। इसी जांच के बाद राष्ट्रीय और आर्थिक हितों के लिए FCRA 2020 लाया गया। सरकार ने कथित तौर पर धन परिवर्तन कराने वाले 6 NGOs का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया था। इन NGOs पर आरोप था कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया था। 1976 में इंदिरा गांधी सबसे पहले विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए कानून लाई थी। साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी कुछ संस्थाओं की फंडिंग पर रोक लगाई थी। साल 2016 में मोदी सरकार ने 20,000 NGO की विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। अब FCRA की कुछ खास बातें भी जान लीजिए। NGOs के सभी प्रमुख लोगों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। सरकार द्वारा बताए बैंक की शाखा में ही विदेशी अंशदान लिया जा सकेगा। NGOs 20% से अधिक पैसा खुद पर खर्च नहीं कर सकते। विदेशी अंशदान लेने के बाद इसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। और FCRA से होगा क्या? नए कानून के विरोधियों का तर्क है कि छोटे NGOs अभी तक बड़े NGOs से ग्रांट लेते थे, जो इस कानून से बंद हो गया है। अभी तक ऐसा देखा गया कि बड़े NGOs के ऑफिस महानगरों में रहे हैं और वो इन छोटे NGOs की मदद से पैसे गांव देहात तक पहुंचाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। बड़े NGOs को नौकरी पर लोग रखने होंगे, लेकिन छोटे NGOs खत्म हो जाएंगे
और उनके लोग बड़े एनजीओस के सहयोगी नहीं बल्कि कर्मचारी बन जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर मेरठ के एक पत्रकार ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, पिछले साल एनजीओ और संपन्न लोग गरीबों की मदद कर रहे थे लेकिन इस बार सब गायब है। बात विदेशी पैसे की नहीं है, यहाँ पैसा कम है क्या, बात है सामाजिक दायित्व की। अमीर लोग, बड़ी कंपनियां इस बात को समझें और गरीब लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं, खाना आदि पहुंचाने में मदद करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे वरुण, मेरा नाम प्रतीक्षा है, शुक्रिया।